शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। कम्युनिटी बाजार के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सोयाबीन की कीमतों में जोरदार तेजी के बाद जोरदार गिरावट बनती दिखाई दी। यूएस सोयाबीन वायदा में गिरावट देखने को मिली। इससे पहले गुरुवार के दिन यूएस सोयाबीन वायदा $1756 पर कारोबार करता नजर आया था। इसके बाद यूएस सोयाबीन वायदा में ऊपरी स्तरों से जोरदार गिरावट दर्ज की गई और $1583 तक बाजार नीचे लुढ़कता दिखाई दिया। बात करें अगर घरेलू वायदा बाजार की तो NCDX पर शुक्रवार के दिन सोयाबीन का मार्च वायदा 7900 तक ऊपर में कारोबार करता नजर आया था। इसके बाद फिर विदेशों में आई गिरावट के चलते NCDX पर भी गिरावट बनी और सोयाबीन की कीमतें 7600 तक नीचे गिर गईं। आपको बता दें कि ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम रह सकता है जिससे वैश्विक उत्पादन में कमी आ सकती है। देशों ने अमेरिकी सोयाबीन की ओर रुख किया है। चीन अमेरिका से सोयाबीन की जमकर खरीदारी कर रहा है। भारत के व्यापारियों ने भी अमेरिका से लगभग 1,00,000 टन सोया तेल के सौदे किए हैं जिससे अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों में उछाल देखा गया है। बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा ने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से 7900 का लक्ष्य दिया था जो कि सोयाबीन में अब हासिल होता दिखाई दे चुका है। NCDX पर सोयाबीन ने 7600 की क्लोजिंग दी है और 7900 का हाई भी लगाया है। अमित सजेजा का मानना है कि सोयाबीन की हाजिर मांग मजबूत है और कीमतें नीचे जाती भी हैं तो 7200 से ज्यादा नीचे जाती हुई नहीं दिखाई देती हैं। अमित सजेजा के मुताबिक 2 हफ्तों में सोयाबीन में फिर से बढ़त बन सकती है और कीमतें 8100 का लक्ष्य हासिल कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।